शिवसेना के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस साथ, बीएमसी में भ्रष्टाचार बना मुद्दा, सीबीआई जांच की हो रही मांग। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती है, लेकिन मुंबई की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों दोनों पार्टियों को नजदीकियों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने शिवसेना तक को समर्थन दे दिया, लेकिन मुंबई की सड़कों के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर शिवसेना के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के सुर एक हो गए हैं। हाल में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए बीएमसी पर जमकर निशाना साधा था। देवड़ा ने आरोप लगाया था कि नगर निगम ने पिछले 5 सालों में मुंबई की सड़कों के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने मांग की कि मुंबई के साथ किए गए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराई जाए। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने 5 साल में मुंबई की सड़कों की मरम्मत के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्या मुंबई में रहने वाला कोई विश्वास करेगा कि 5 सालों में 12,000 करोड़ रुपए की सड़कों की मरम्मत हो चुकी है? 12,000 करोड़ एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वार्षिक बजट का 10वां हिस्सा है। मुझे पता है कि इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉटहोल्स खड्डों के एक मामले की सुनवाई की सहमति दी है, लेकिन सच्चाई का खुलासा करने के लिए गहन जांच की जरूरत है, एक थरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मुंबईकरों को पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में उन्हें किसने लूटा है, और इस संदर्भ में मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और बॉम्बे हाईकोर्ट से इसका आदेश देने का अनुरोध करता हूं। महाराष्ट्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वे भी एक सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं बीएमसी के इस रोड कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति है? केवल समय ही बताएगा। आप सब जानते हैं, खास करके जो मुंबई में रहते हैं, कि मुंबई महानगर पालिका भारत का और एशिया का भी सबसे बड़ा और सबसे अमीर महानगर पालिका है। कृपया सोचे कि अगर बीएमसी में भ्रष्टाचार बंद हो जाता है तो इससे आम मुंबई वासियों को कितना मदद मिलेगी। मिलिंद देवड़ा के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी सीबीआई जांच की उनकी मांग का समर्थन कर दिया है। वहीं गुरुवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मिलिंद ने जो कहा वो गलत नहीं है, मुंबई के कई मेयर हमारी पार्टी के रहे हैं, तब जब भी बारिश हुई मुंबई में बाढ़ नहीं आई, लेकिन जब से बीएमसी पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना काबिज हुई उन्होंने मुंबई को डुबो दिया, सड़कें भी खराब हालत में हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई नगर निगम के वार्ड का पुनर्गठन किया था। इस पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मिलिंद देवड़ा ने भी आपत्ति जताई थी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और वार्ड के पुनर्गठन की मांग की थी। बता दें कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर करीब 3 साल महाराष्ट्र पर राज किया था, लेकिन जून में एकनाथ शिंदे के गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। इसके बाद अब आघाड़ी के तीनों दल बिखरते नजर आ रहे हैं।